अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर ह्यूमन राइट्स के तत्वावधान में युवाओं ने जागरूकता रैली निकाली। यह रैली रांची विश्वविद्यालय से निकलकर रांची की मुख्य सड़कों से होते हुए अल्बर्ट एका चौक पहुंची। रैली की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एएमयू दुआ ने बताया कि युवा जो आज बेरोजगार हैं, उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। 47% युवा को दशा व दिशा देने के लिए जागरूक करने के लिए यह रैली निकाली गई है। युवा अपने मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और जन्मसिद्ध अधिकार को जाने पर आगे बढ़े। इसमें ईरा उनका साथ देगी एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, ताकि झारखंड के युवाओं को रोजगार मिले, भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बने और अमन चैन और खुशहाली की मांग को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रांची से मोहम्मद मोजिद्दीन खान की रिपोर्ट, SKH न्यूज। राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची के चौक अल्बर्ट जलाल लाल चौक पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को उपलक्ष्य में युवाओं की आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड और रांची के अंदर युवा जो बेरोजगार हैं, युवा जिन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है, जो विकास का एक अहम हिस्सा है, भारत के 47% जो युवा है उनको दशा और दिशा देने के लिए आज हमारे युवाओं को जगाने की ज़रूरत है। और इसी आवाज़ को देने के लिए हम लोग रांची में एक रैली निकाला है कि युवा जागें और अपने मौलिक अधिकार को, अपने संवैधानिक अधिकार को, अपने जन्मसिद्ध अधिकार को समझें और जानें और आगे बढ़ें। जहां कहीं भी उन्हें किसी तरह की समस्याएं होती हैं, उसमें अहरा उन्हें साथ देगी। हमारे झारखंड के जॉइंट सेक्रेटरी, पूरे भारत के हमारे सुनील किस्पोटा जी, अनिल किस्पोटा जी और हमारे बहुत सारे साथी जो आज इस रैली में भाग लिया है, एक संबोधन कर रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं, युवा आगे बढ़ें और झारखंड को शांति प्रिय राष्ट्र बनाएं। यहाँ किसी तरह का भी, चाहे महिलाओं के साथ, चाहे बच्चों के साथ, चाहे हमारे युवाओं के साथ, चाहे हमारे बुजुर्गों के साथ किसी तरह का अन्याय होता है, तो उससे युवा आगे बढ़कर के काम करेंगे। परिचय अपना बता दें। मैं डॉक्टर एनी दुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने एडवोकेट तानिया।